अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप चाहते हैं कि अपने टिकटॉक का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आपने किस तरीके से अपने टिकटॉक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर लेना है। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। जी फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रही होगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो राइट साइड पे प्रोफाइल की ऑप्शन शो हो रही है, तो फ्रेंड आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद राइट साइड पे सबसे ऊपर तीन डॉट की ऑप्शन है, फ्रेंड आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर अकाउंट की ऑप्शन आपके सामने शो हो रही है, तो फ्रेंड आपने इस अकाउंट की ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हैं पासवर्ड की ऑप्शन आपको शो हो रही है, तो फ्रेंड आपने इस पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, जिस नंबर पर आपने अपने टिकटॉक अकाउंट बनाया होगा या जिस जीमेल आईडी पर, तो फ्रेंड उस नंबर पर उसी टाइम कोड चला जाएगा। तो फ्रेंड वो जो कोड होगा 6 डिजिट वाला कोड होगा, आपने वहां चले जाना है, वहां से जाकर उस कोड को देख लेना है और यहाँ आकर एंटर कर लेना है। जैसे एंटर करेंगे उसके बाद आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो ठीक है जीमेल आईडी के अंदर, उसके बाद फ्रेंड ये ऑप्शन शो हो जाएगी चेंज पासवर्ड की ऑप्शन। आप जो भी पासवर्ड यहां रखना चाहते हैं तो फ्रेंड आपने उस पासवर्ड को यहां रख लेना है, लेकिन ये याद रखना है योर पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 8 करेक्टर। ये सारे आपको शो हो रहा है कि पहला लफ्ज आपने बड़ा रखना है, फिर छोटे रखने हैं, फिर गिनती रखनी है और कोई भी अल्फाबेट आप रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं तो आपने सेव कर लेना है, आपकी जीमेल की आईडी के अंदर वो वाला पासवर्ड सेव भी हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आपने इजीली अपने टिकटॉक अकाउंट के पासवर्ड को चेंज कर लेना है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आपको मेरी ये सारी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।